गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पर हाड़ाओं की बावड़ी, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान प्रदेश में बावड़ियाँ बनाने का काफ़ी प्रचलन है। तो हाड़ा राजाओं द्वारा ये बावड़ी संभवतः बनवाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर मंदिर, शिवलिंग और नंदी स्थापित हैं छोटी छतरी के नीचे, और इस तरफ गणेश जी स्थापित हैं, देखिए आप। और ये बावड़ी जो पीने का पानी काम में आता है इसका, अच्छा नहाने के काम आता है बस, तो नहाने का तो ट्यूबवेल वगैरह इसमें नहीं मिल जाएगी हाँ। अरे इसका पानी कोई ऐसा अच्छा है क्या, एक्स्ट्रा स्पेशल, या ऐसे सिंपल पानी है? नहीं है बता, बढ़िया तो है इसमें ये बाबा, जो गंदगी हो रही है साफ वाफ बढ़िया नहीं करते? बाबा ने जो पानी बारिश को पानी दे जाओ अच्छा इसके अंदर जाता है। ये क्यों बेरुखी को बीमारना भी पड़े क्यों तो नाबालिग। इसका किसने बनवाई ये बावड़ी? आप देखो जो मालिक है वो कई बच्चों से पढ़ाई अच्छा है अच्छा अच्छा तो यहाँ मालिक पर एक तो ये बावड़ी देखने की, और क्या है? एक हाँ शंकर भगवान को मंदिर है कहाँ पे, पुराना या हाँ नया? पुराना ही है वो इधर अंदर पीछे जाके, अच्छा नहीं आते यूँ जाना है। और एक बावड़ी वो वहाँ खींची हुई बावड़ी है, ये बावड़ी गोड़ का है ये क्या पीली बाउंड्री में ना खींची की बावड़ी? या बालाजी महाराज के हैं अच्छा 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 ठीक है भैया, ठीक। तो देखिए साथियों ये पानी है जो ये स्नान करने के काम में आता है, और यहाँ पर देवता की स्थान बना हुआ है देवताओं का, और यहाँ पर भी ठाकुर जी का स्थान बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये है वो प्राचीन बावड़ी, देखिए आप वहाँ पर पुरानी आर्किटेक्ट लगा हुआ है, और ये भरी हुई है अभी, इसमें बरसात का पानी आता है। इसमें क्या डेंडू वगैरह भी हैं क्यों, वो तो सांप वगैरह है ना? तो हम चलते हैं वापस, दूसरी बावड़ियाँ देखते हैं। और भी पूजा स्थल है यहाँ पर, जय माता दी, माता जी का मंदिर है। यहाँ पर भी धर्मशाला बनी हुई है, काफ़ी पिकनिक पार्टीज़, और जिसको हम लोकल भाषा में बोलियाँ बोलते हैं, किसी की मनोकामना पूर्ण होने पर, ये आप देख सकते हैं बावड़ी। गाइस ये है नसिया जी की बावड़ी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में इसका रिनोवेशन करवाया हुआ, उसका प्लेक यहाँ पर बनाया हुआ है। चूँकि हमारे राजस्थान में बावड़ियों को बनाकर जल का संरक्षण की पुरानी प्रथाएं हैं, तो इसको रिनोवेट तो किया गया है, अब देख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें काई युक्त पानी है। जैसे कि एक सज्जन ने मुझे बताया था कि इस बावड़ी को खींची की बावड़ी भी कहा जाता है। ये देखिए आप बावड़ी, सिंपल साधारण, और वहाँ पर पूज्य स्थल है, उसको उस तरफ से देखते हैं हम अंदर से। हमारे राजस्थान में मुख्य बावड़ियाँ हैं रानी जी की बावड़ी, जो कि बूंदी में है, और अभानेरी की बावड़ी जो काफ़ी बड़ी है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी बावड़ियाँ हैं जिनमें जल संरक्षण किया जाता था, और जनमानस की पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाता था। देखिए काफ़ी भव्य बावड़ी बनाई हुई है, सिंपल आर्किटेक्चर, प्राचीन
पर भी डिसयूज़ में है। प्रकृति ने इस पर हरी चादर ओढ़ा दी है, इसको सब तरफ काई हो गई है, तो आप देख नहीं सकते कितना गहरा है पानी। और बावड़ियों में हमारे पूजा स्थल रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर एक पूजा स्थल बनाया हुआ है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसे नसिया जी की या खींचियों की बावड़ी कहा जाता है, क्योंकि आजकल हैंड पंप, ट्यूबवेल और क्यूमुलेटिव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन चुका है, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स की अब खास आवश्यकता समाज को महसूस नहीं होती है। वो जैन नसिया की छतरी है। अब हम चलते हैं। जैन नसिया मंदिर है। किले के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी धार्मिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो दिखाता है कि उस वक्त धर्म की कितनी महत्वपूर्ण स्थान रहा था, प्रोटेक्टेड। वहाँ पर एक समाधि जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है छतरी के नीचे, और ये यहाँ भी समाधियाँ बनी हुई है संभवतः। छतरी मुगल राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल की छतरी बनी हुई है ऊपर, और कंपाउंड में काफी छतरियां बनी हुई है। ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर छतरी बनी हुई है, गुंबद फिनियल विद कलश। संभवतः कोई मंदिर हो। इसको भी रिनोवेशन की जरूरत है, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लाइम पेंटेड है, और इसका गर्भगृह भी लॉक्ड है, बंद किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। और इस तरफ दो छोटी छोटी छतरियां हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं दूर आनंद धाम का छत शिखर। ये पूरा एरिया कवर्ड है। और इस एरिया में उपले बनाए हुए हैं, जो गोबर से बनाए जाते हैं और बाटी सेकने के काम में आते हैं। और एक श्वान है, जो अजनबी व्यक्ति को इस कंपाउंड में देखकर भौंक रहा है। वो देखिए वहाँ पर, ओके गाइस, देखते हैं अंदर से।